जय जगन्नाथ रोक ठोक को आपको स्वागत करुच्ची मुझ दुर्गा आशीष जो प्रसंग अच्छी जे डाणी गुणिया एक एक कथा मु काहेकी कहूँ आउ ए प्रसंग कौन पाई प्रथम शुणी दिंतु राज्य समवाय मंत्री राणेन्द्र प्रताप स्वाई कौन कहते तापर एक प्रसंग को आसा प्रथम शुणी नियंतु या सहित तो डाहाणी आ गुणिया एक मु काहेकी प्रसंग बाची प्रथम शुणी नियंतु राणेन्द्र प्रताप स्वाई बैठक ठीक है नुआ रजिस्ट्रेशन करूँ कहीं बहुत घोष्ट एवं किसी डाटा जो गुड़ाक पूरा डिबेस्ट डाटा थिला ताकु सानिटाइज करने प्रकृत चाषी को प्रकृत लोक मान प्रकृत हिताधिकारी मानू मूल्यांकन करम कर इट इज इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ये हेले राणेन्द्र प्रताप स्वाई समवाय मंत्री सीधा कहते जे घोस्ट फार्मर अर्थात जो मैंने खरीफ आउ रवि धान बिक्री हो सेथिरे जो अव्यवस्था ताहा जल जल एवं सीए कहते घोस्ट अर्थात भूत फार्मर भूत चासी जो माने रजिस्ट्रेशन करी बड़ प्रश्न आसुची जे भूत चासी ना केमिति पंजीकरण कले मेकानिजमटा केमिति काम करुची जे भूत चासी पंजीकरण करिछि प्रकृत रे दायी किए विभाग मुख्य भाव मंत्री राणेन्द्र प्रताप स्वाई एथिपाई दायी नुहे कि से उत्तरदायी नुहंती कि राणेन्द्र प्रताप स्वाई आपण उत्तरदायी कि नुह भूत चाषी ना पंजीकरण करिबा पछरे आपण दायी कि नुह आपण एक कथा उत्तर रखंतु जे विभाग मुख्य भाव ये मंत्री काम कि नुह आपण कहउचंती घोस्ट फार्मर रजिस्ट्रेशन कले किभली ए प्रश्नर उत्तर आपण रखंतु चाषी ना नवीकरण नकरी एथर काहीकि ना पंजीकरण करा जाउछि चाषी ना नवीकरण नकरी एथर काहीकि नुआ पंजीकरण करिव या पछर रहस्यटा कण ये दलाल आ मिलर सहित मिसिकी ये चाषी शोषण ये बड़ कन्स्पिरेसी बड़ षड्यंत्र नुह कि जदि भूत चाषी ना पंजीकरण करथिबा जणा पड़ जाइछि ताहाले सेमानक विरोध रे कौन आक्शन नहीं उत्तर रखत समवाय मंत्री राणेन्द्र प्रताप स्वाई ए बड़ प्रश्न सहित राज्यवासी स्वर अर्घ साजी रोकठोक प्रसंग एवं जो प्रसंग जे डाहाणी गुणिया एक डिबेट रे जो मैंने मो सहित सामिल है सहित परिचय करदे मो सहित रे चंद्रशेखर पंडा सिक्त पंडा हो राज्य बीजेपी कृषक मोर्चार उपसभापति मो सहित रे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिक्त प्रदीप देवता एवं आम सहित रे नुआपड़ चाषी नेता सिक्त कमलेश दीक्षित डिबेट आरंभ करी सिक्त प्रदीप देवता आपण आरंभ करने चाहूँगी आपड़ शुणिले राणेन्द्र प्रताप स्वाई कौन कहले जे घोस्ट फार्मर अच्छा घोस्ट फार्मर जदि अच्छा यहीपाई समवाय विभाग दायी कि नुह घोस्ट फार्मर मैंने रजिस्ट्रेशन कले केमिति मैंने प्रकृत चाषी आ घोष चाषी बा भूत चाषी ए भितर किछि फरक जानि पारु नाहंती समय डिपार्टमेंट किछि जानि पारुनी शुणु आज्ञा गोटे जिनस मुझी ओडिया लोकंकर बुद्धि पछे आसे आज राणेन्द्र प्रताप स्वाई को मुझे जिन कह चाहे जो चाषी मैने किंबा चाषी नेता मैंने जो जिनसा को कहीकि कहते हैं भूत चाषी ये भरिकी रही किंतु राणेन्द्र प्रताप स्वाई कहते हैं जो चाषी मैंने जो करोलन यह हूँ दलाल मान आंदोलन चाषी मान आंदोलन नुह कि चाषी नेता मान आंदोलन नुहे कहते किंतु आज निजे प्रमाणित कले दलाल मान आंदोलन नुह यह हूँ प्रकृति रे चाषी मान आंदोलन बोली तो ये जो भूत चाषी कथा एत पर जानले से कहीं चाषी मान विश्वास ने सरकार जो सरकार को जो चाषी मैंने भोट दे जीतरी आज राजा गादी में बसई से ही चाषी मान अविश्वास कर कारण कौन आज निजे तो मानिगले ना जे चाषी मैंने प्रकृत चाषी और भूत चाषी अलग अच्छा निहती प्रश्न उत्तर रखत सुक्त राणेन्द्र प्रताप स्वाई मुसिवि सुक्त चंद्रशेखर पंडा आप रिएक्शन नाप चाहिए ताने घोस्ट चाषी बा भूत चाषी एक खोज स्वीकार करुंट राणेन्द्र प्रताप स्वाई किंतु से तो निजे उत्तरदायी से तो निजे उत्तर रखा कथा एवं जी उत्तरदायी से ही कहि सुक्त चंद्रशेखर पंडा आपंक रिएक्शन नेबी जे राणेन्द्र प्रताप स्वाई जो कथा कहते
जे से निजे उत्तरदायी किंतु से जो कथा कहउचंती जे घोष चासी कथा सुत चंद्रशेखर पंडा मो प्रथम रे आज कहिबा पई चाहे जे राजा स्वाई से दी दी दुईटा विभाग रो जो धान किणा बिका चली छि आपणकर समवाय विभाग रो भी मंत्री एवं खाउटी जोगाण मंत्री भी से रणेन्द्र प्रसाद स्वाई जदि आज मंत्री कहउचंती भूत चासी बोली कि मु कहउची जे समवाय विभाग रो मंत्री निजे जणे भूत भले आज ताकर परिचय देले जोगाण विभाग रो मंत्री भूत भले आसे आज लोकंकु कहले जोगाण विभाग एवं समवाय विभाग रो सेक्रेटरी सचिव से जणे भूत ऑफिसर बोले कि आमे कहुचु चासी को भूत चासी कहिबा अगरु राजा स्वाईंकर विवेक को ठेस पहुंचिला नै से चासी जदि 6 मास अगरु आज आज जो नूतन खरीफ पई जो ताकर बैठक हला 2021 रो खरीफ पई जो बैठक गेछि एवं आज ठु रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आरंभ हला जदि तांकर गाइडलाइन पढिबे जो हिसाब रे हेछि जदि मार्केट टा सरीगला परे से भूत चासी बोली कि कहउचंती आज जो आरंभ रु जो नीति करिचंती मु कहउची ए भूत नीति को चासी समाज केबे भी ग्रहण करिवो नै ओके चासी समाज ग्रहण करिवे नै मु आपनको रिएक्शन नेबी चासी नेता अछंती हम सहित सुक्त कमलेश दीक्षित सुक्त दीक्षित आपनको रिएक्शन नेबी ए जो घोस्ट फार्मर कथा कहउचंती ए भूत चासी कथा कहउचंती ए माने प्रकृत रे किए ए भूत चासी किए सुक्त दीक्षित देखंतु ए भूत चासी कथा जो कहउचंती भूत चासी नहंती भूत ऑफिसर भूत से सेक्रेटरी जे ए रजिस्ट्रेशन करउचंती देखंतु कोनोसे चासी को धान जदि किणा हेछि से रजिस्ट्रेशन कराइछि आजिर दिन रे जे भूत चासी कहउचंती एटा मिल मालिक कर काम मिल मालिक तांको कम रेट रे धान किणी रखि दउचंती आउ भूत जो चासी मानको जहां नार जमी अछि तांको नैकि रजिस्ट्रेशन करउचंती एटा सब सला सतरा चली आज ऑफिसर मान को धरिकी से सोसाइटी सेक्रेटरी मान को धरिकी तांकर कंप्यूटर ऑपरेटर मान को धरिकी आज ए रजिस्ट्रेशन चली आउ तांकर धान प्रथम किणा जा प्रकृत चाषी बंची जाऊँच धान बिकवा आम आंदोलन करिया हो मात्र आगर आप देखु जो चाषी जार धान किणाई से भितर केत घोस्ट फार्म जानी मंत्री जानते कि घोस्ट चाषी धान बिकी कौन एक्शन निला जिलापाल कहे कलेक्टर कहे एसपी कहे केस करा ए वर्ष रवि सीजन रे रजिस्ट्रेशन करने पूर्व कहुला जदि जे रजिस्ट्रेशन भूल कर से जदि जना पड़ा कि मिछ कही तो एक्शन हम गोटे भी लोकों ना एक्शन निया मत जन दिंतु भगत गोटे बड़ किकबैक धान किणारे ये गोटे बड़ दुर्नीति सुक्त दीक्षित ये गोटे बड़ दुर्नीति ये किकबैक बिल्कुल दुर्नीति देखु प्रकृत चाषी बंची आउ जो मैंने रजिस्ट्रेशन फल्स रजिस्ट्रेशन कर मंत्री से मैंने धान बिकी एक्शन निदी से जनातु आज उत्तर चाहिए राज्य चाषी मानक ना ठकी जो दुर्नीति धान किणारे जो मैंने इनवल्व एगेन्स्ट कौन आक्शन मो पाखे फूड ओडिशार गोटे पोर्टल अच्छी एड़ा आश्चर्यजनक जो चित्र मुझे भी से करप्शन को धरा पकई दौर ए फूड ओडिशा पोर्टाल ये तथ्य अनुसार गत खरीफ सीजन में राज्य में जड़े चाषी 52.8 हाराहारी 52.8 क्विंटाल धान बिक्री करदी हीराकुडर कमाण अंचल देखा जोटि की बेसी इरीगेशन अच्छी बेसी धान हुए चाष हुए संबलपुर बरगढ़ सोनपुर जिला एटी चाषी हाराहारी 60 क्विंटाल 60-65 क्विंटाल धान बिक्री करथिला आ फूड ओडिशार तथ्य यहाँ सामना को आणुची जे रायगढ़ जिले में मुझे कहीदे जे हीराकुड कमांड अंचल संबलपुर बरगढ़ सोनपुर जिले में चाषी हाराहारी 60-65 किलो कि क्विंटाल धान बिकी किंतु रायगढ़ जिले में चाषी हाराहारी 100 क्विंटाल धान बिकी एटा केमिति पॉसिबल हला सुक्त प्रदीप देवता आपण को लगुनि ये इम्पॉसिबल कथा जोठी बेसी धान प्रोडक्शन होउची संबलपुर बरगढ़ सोनपुर रे सेठी गोटे चासी हाराहारी 60-65 क्विंटाल धान बिकुची किंतु रायगढ़ चासी हाराहारी 100 क्विंटाल बिकुची
ସେଇ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ତ ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିପାରିବି ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 20,000 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭୂତ ଚାଷୀ ଆଜି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଭୂତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ସେ ଭୂତ ଚାଷୀର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମିଲର ଜରିଆରେ ଆରଏମ୍ସି ଜରିଆରେ ସେଇ ଧାନଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଜବାବ ଦେବ ଏଇ 20,000 ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁକ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଆଜି ବି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନୂତନ ଚାଷ ନେକ୍ସଟ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ କିଏ ତାଙ୍କର ଲସ୍କୁ କିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଏଇ 20,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନେବା କଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଭୂତ ଚାଷୀ କଥା ଉଠିଛି ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଜାଲିସାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେବୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ୟାର ମ୍ୟାପିଂ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପାୱାରଲେସ୍ କରିକି DLPCରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଟିଂ ନକରି ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନ ହୋଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଏମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଡାହାଣୀ ଗୁଣିଆ ଏକ ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଲାଗିବେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଛଡ଼େଇବାର ଗୋଟେ ନାଟକ ବାଜି ଇଏ ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଯଦି ଖରିଫ ଆଉ ରବିର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ କିଏ କେତେ ଚାଷୀ ବିକିଲେ କେତେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ସେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଚାଷୀ ବିକିଲେ ଧାନ ଆଉ କେତେ ଚାଷୀ ନିରାଶ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଖରିଫରେ ତାହେଲେ ଖରିଫରେ ରାଜ୍ୟରେ 14,72,496 ଜଣ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ 14,72,496 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ୟା ଭିତରୁ ଚାଷୀ କେତେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଚାଷୀ ବିକିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11,91,127 11,91,127 ଜଣ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କଲେ ତା ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ଯେତିକି ରହିଲା 2,81,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିଲେନି ଆଉ ରବିରେ ବି ପାଖାପାଖି 20,000 ଚାଷୀ ବିକି ପାରିଲେନି କାରଣ 2,24,544 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ 2,03,799 ଜଣ ଧାନ ବିକିଲେ 20,000 ଚାଷୀ ବିକି ପାରିଲେନି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟରେ ଉଭୟ ଯଦି ଦେଖିବା ରବି ଆଉ ଖରିଫରେ ପାଖାପାଖି 3,00,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିଲେନି ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲାନି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଧାନ କିଣା ଗଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠି ହାରାହାରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ 50-55 କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ହାରାହାରି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଭରେଜ୍ ରମନଗୁଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାୟଗଡ଼ାର ସେଠି ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 140 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଇଏ ପସିବୁଲ କି ଶ୍ରୀକ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ମାନେ କଥା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଆମେ ଟିକେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଖରିଫରେ ଆପଣ 14,00,000 ଏବଂ ରବିରେ 3,00,000 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଏହାର ଆକଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ଜମିର ପରିସଂଖ୍ୟା ଜମିର କେତେ ଏକରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଦେବତା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଆମ ଚାଷୀ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୂଳ କଥା କହୁଛୁ ଯେ DLPCକୁ ମୃତ କରିକି ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଖେଳାନିଲା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ
हीराकुद कमांड एरिया रो कंपेयर करुचंती निश्चित भावरे रायगड़ा रे ऑफिसर दलाल एवं तृतीय आपणकर भुवनेश्वर यांकर गुटे समन्वय रहिची जेमती की बरगढ़ जिल्ला रे आपण खरीफ समय रे देखिबे जो गत आज जो 10 लाख क्विंटल धान बिक्री न होई की बरगढ़ जिल्ला रे पड़िची संबलपुर जिल्ला रे 30,000 क्विंटल रो 30-35,000 क्विंटल रो टोकन लैप्स हेची जेंति की बरगढ़ संबलपुर कमांड एरिया को छाड़ी दे की इंद्रावती प्रोजेक्ट को छाड़ी दे की चासी सेतिरे धान केमती बिकी परिबो नै बोल के अंकुश लगौचंती एवं जो अंचल रे प्रोडक्शन नाही सेमती भूत राइस मिल भूत सिस्टम अछि जो जगह रे की मिलिंग होय नै किबा इलेक्ट्रिक बिल न थाए एवं सेति प्रोक्योरमेंट हे जाय एवं धान भी किणा जाय एवं चावल भी बिक्री करा जाय सो तो एथिरे देखा जाउची जो लैप्स करी की जोती मार्वलस फसल होउची हीराकुद कमांड एरिया रो चासी को बिक्री रु वंचित करी की जो जगह रे हो नै आपणकर रायगडा रो जो नग्न उदाहरण आपण दउचंती सेमती मानकर गुटे मिलित राज चली छि ये मिली भगत रे करप्शन आ चासी को तार प्राप्य मिलूनी एवं चासी हताश होउची आगे को भी डिबेट जारी रखिबा रोक रोक रे किंतु समय गोटे छोट ब्रेक रो ब्रेक पर रोक टॉक आपनको पुनः सर स्वागत करछु मु दुग्रासिस सुक्त कमलेश दीक्षित हम सहित अछंती नुवापडा चासी नेता सुक्त देखि जो कथा आसुची ये सब बेले समस्या चासी जते बेले भी धान बिकुची रवि रे हो खरीफ रे हो सब बेले समस्या भोगुची तार सल्यूशन के जो आसी पारुनी सब बेले से प्रताड़ित होउची धोखा खाउची प्रतारणार शिकार होउची जति के प्राप्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी सेति के भी पाउनी सुक्त देखि देखंतो एटा आमे बारंबार कहि आउछु आ लगातार एटा आमे आंदोलन भी करूछु कि प्रकृत चासिन तार धान किणा हो नै मिल मालिक बाहरु धान किणी आनी रखुचंती तांको समय आसिला बेलकु रजिस्ट्रेशन समय फॉल्स लोकों को ना रजिस्ट्रेशन करूछंती आ से धान को कागज पत्र किणुचंती मो पाखरे गुटे चिट्ठी अछि देखंतु एटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिया सेक्रेटरी दैछंती विश्वजीत दास 2/7/2021 एठि लेखिचंती कि इट रेस्पेक्ट टू एफसीआई दैट ड्यू पीलिंग ऑफ पेडी राइस स्टॉक इन स्टोरेज ऑफ मिल पॉइंट इट वाज नॉट बीइंग पॉसिबल टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक ऑफ पेडी एंड राइस स्मूथली माने मिल मालिक माने एतिके धान रखिछंती ताकु फिजिकल वेरिफिकेशन करि हो नाही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा काई बोलछि से काई के आज पर्यंत से फिजिकल वेरिफिकेशन अमर पेडी प्रोक्योरमेंट मीटिंग जेबे होछि कुआ होछि प्रत्येक 15 दिन रे थरे राइस मिल मानकर पेडी माने फिजिकल वेरिफिकेशन हम के धान पाखे अच्छे के चाउल पाखे अच्छे मात्र ये चिठी जना पड़ी से मैंने किसी को ना आज भी मिल गुड़ाक अधिका धान रखाई से मैंने समय आसले आउ थे कहा ना गोटे जो 3 लाख चाषी बिक्री पारे धान बिकी पारे से कौन करेंगे से माने पुणी कोन करबे 1,200 टंका रे धान बिकिबे से धान को से माने मिल मालिक किनी के रखिबे आ आरथर आउ कहानार गोटे किनीबे से माने फॉल्स रजिस्ट्रेशन करबे चावल रिसाइक्लिंग करबे ए जिनिस आमे बारंबार दाबी हे आउसी ए जो टोकन व्यवस्था करा हला जोटा जिला प्रशासन रो जिला कलेक्टर हाथ रो जो पावर दिला ताकु भुवनेश्वर गोटे नि गला थर्ड फ्लोर आदेश से पूरा भुवनेश्वर को पळेला आउ ए मिल मालिक को द्वारा से माने डायरेक्ट एठी बसि के रजिस्ट्रेशन करा जाउची ये सब गोटे कन्स्पिरेसी ये सब मिली भगत रे होची सुतो चंद्रशेखर पंडा किस दिन तड़े प्रमिला मलिक गोटे जहाँ देथिले गोटे स्टेटमेंट देथिले या तांकु जते पचारा गला प्रकृत चासी कथा घोस्ट चासी कथा आसिला से कहले विरोधी माने दौनांती प्रकृत चासी तालिका दियंतु माने विरोधी मानको मागीथिले चासी तालिका आ आज खोज समवाय मंत्री कहउछंती जे घोष चासी को कैलकुलेशन होची घोष चासी अछंती जो माने नै चंती रजिस्ट्रेशन करके धान बेखिछंती जदि ओडिशा रे भूत चासी मु जो आमर पेनालिस्ट अछंती दीक्षित बाबू को गोटे कथा कहिबा पई चाहे जे प्रकृत रे मु आसीबी आपनकर प्रश्न रो उत्तर देबी मु आमर दीक्षित बाबू गोटे कहि देबा को चाहे जे जो चासी भी ठीक अछि आपनकर जिल्ला रे हेइ पारे किछि थाइ पारे किंतु आमे चासी रो कथा जते बेले कहुचे सेते बेले आमे निश्चित भाव रे चिंता करबा कथा एते मेकानिजम रही कि जते बेले गोटे रजिस्ट्रेशन हेइ गला जे रजिस्ट्रेशन करला से निजे गोटे चासी जदि सरकार निजर मेकानिजम रे फेल करी कि
चाषी ना जी ना कथा कही चाषी धान किणवाई दिदावत करता ग्रहण करंबर दुई कथा दुर्गाशीष बाबू आपण प्रश्नर उत्तर मुझे जो प्रमिला मल्लिक मैडम कहले जे प्रकृत चाषी लिस्ट दिंतु मुझे पचार जे ओडिशा रे आज आज जो 2021 मसीह खरीफ रजिस्ट्रेशन आज आज आरंभ हो जाए मुझे गोटे कथा कहि जदि एत कथा कससली जो गाइडलाइन देची गाइडलाइन अनुसार रजिस्ट्रेशन हम पुणी सीजन शेष से कह भूत चाषी आसी ताहले मु आज विवाद बोध ना जे ओडिशा सरकार रो जोगाण मंत्री हबार जेहेतु चाषी मान को भूत कहले मेकानिजम निजर फेलुअर को लुचेबा चाषी मुंडे अठा देउचंती आज आह्वान दौची जे राजा स्वाई जोगाण मंत्री एवं समवाय मंत्री हबार नैतिकता नैतिकता नहीं नैतिकता ना इस्तफा दिंतु राणेन्द्र प्रताप स्वाई ये बीजेपी दाबी सीत प्रदीप देवता आपण शेष रिएक्शन ना चाहिए आम विभिन्न समय डिस्कशन करुचे कि सल्यूशन कौन चाषी सेमती प्रतारित होमती धोखा खाऊ मु गोटे जिनस कहे जो प्रमिला मल्लिक जो डाटा कथा कहते जी विरोधी दल दिं बोल ठीक अच्छे विरोधी दल डाटा को ग्रहण करेंगे कि नंबर वन द्वितीय जो से कहते जे हीराकूद आम ये बरगढ़ जिला रो कथा जो कहते 60-65 क्विंटल प्रोक्योरमेंट हो बोल डाटा प्रथम से ठीक करूँ कारण स्टेट गवर्नमेंट रो स्टेट फूड ये रो डाटा रे से शो कर निजर वेबसाइट रे कि 100 क्विंटल बोल के आउ गोटे कथा भी मुझे कहवाक चाहिए गला वर्ष आप मन थी ओडिशा सरकार को गोटे कृषि कौन गोटे अवार्ड मिलता केन्द्र आने ओडिशा सरकार से जो अवार्डटा पाई 117 लाख मेट्रिक टन से प्रोक्योरमेंट कर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देलापर केन्द्र सरकार गोटे अवार्ड दे मत कहतु गला थर मात्र 60 लाख मेट्रिक टन उत्पादन माने प्रोक्योरमेंट करते कि 117 टन को हिसाब से देखे मैंने हूँ भंड सरकार आज जमी भंड बाबा था ना सेमती भंड सरकार आंड सरकार मुख्य होती मिस्टर नवीन पटनायक एवं पांडियान य सरकार को चलाउं वर्तमान भी समय अच्छे सुधरी जातु लोकों पर चाषी गरीब लोकों ओडिशा जनता एमता दाऊ नसा जातु बहुत हो गला सहबार सीमा टपी गला वर्तमान तो वर्तमान आम सरकार को निवेदन करुचु डीएलपीसी जरिया रे प्रत्येक जिलापाल को प्रत्येक एमएलए को आपण माने विश्वास रे नियंतु एवं जिलापाल जरिया रे डीएलपीसी मीटिंग करिकिरी आपण धान प्रोक्योरमेंट रो निर्धारण करंतु आई टोकन सिस्टम को संपूर्ण भाव रे बंद करा जाउ ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुक्त प्रदीप देवता सुक्त चंद्रशेखर पंडा और सुक्त कमलेश दीक्षित आम सहित जोड़ी होते आज रोकठोक वितर्क बड़ कथा है जे जो प्रश्न पचारूँ चाषी जो प्रश्न राज्यवासी पचारुंट तार उत्तर रखतु राणेन्द्र प्रताप स्वाई ओरफ राजा स्वाई जे आप उत्तर रखतु जे जो 3 लाख चाषी कहीं बिक्री करें भूत चाषी किए एमती आसिले केमी रेजिट्रेसन कले ये भूत चाषी ना रे एमाने दलाल नुहंती तो आदि दलाल एम विरोध में कौन आक्शन नहीं तार प्रश्न पचारुंट राज्यवासी आपण उत्तरदायी मंत्री हिसाब से आप उत्तर रखत ए प्रश्न सहित समस्या सही रोकठोक रखुची जय जगन्नाथ।